एक बार से फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फर्नीचर हाउस में। दोस्तों आज मैं आपको एक ड्रेसिंग टेबल दिखाऊंगा और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अगर ड्रेसिंग टेबल लेनी है तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसके साथ साथ दोस्तों सॉरी अगर आपको बाहर की आवाज़ नहीं मतलब बाहर की आवाज़ अगर ज़्यादा आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि उन्हें माइक नहीं लगाया। इसलिए ड्रेसिंग टेबल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों ये आपको 6.5 फीट लंबी मिलेगी और 2.5 फीट चौड़ी मिलेगी आपको ये ड्रेसिंग टेबल। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इसमें आपको फुल मिरर मिलेगा, ये आपको देखेंगे तो फुल मिरर है आपको, ये आपका 5.5 फीट का फुल मिरर हो जाएगा। और उसके साइड में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टोरेज के लिए जगह मिल जाएगी इधर, और उसके नीचे आपको ये देखेंगे आपको इधर भी स्टोरेज के लिए जगह मिल जाएगी। और अगर आप ये देखेंगे डिज़ाइन में है थोड़ा, ये वुडन डिज़ाइन में है, और ये दोस्तों जो लकड़ी लगी है इन सब में, ये सब सागवान की लकड़ियाँ लगी हैं, सागवान में बहुत सारी क्वालिटी आती है तो सागवान की टीक लकड़ियाँ लगी हुई है। और उसके साथ साथ और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये मतलब फ्लैट एरिया मिल जाएगा, यहाँ पर भी मतलब सामान रख सकते हैं। और उसके थोड़ा और नीचे आएंगे आपको यहाँ पर ड्रॉर मिल जाएगा, ड्रॉर में दोस्तों कोई हैंडल नहीं है, खोलने के लिए आप इसे नीचे से पकड़ेंगे तो आराम से खुल जाएगा, ये आपका ड्रॉर हो गया। और दोस्तों और नीचे आएंगे तो आपको ये पल्ला मिल जाएगा, इसके अंदर भी आपको स्टोरेज मिल जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे ये आपका वुडन डिज़ाइन मिल जाएगा, ये आप बॉक्स देख रहे हैं सब वुडन डिज़ाइन है, ये सब वुड पे पूरा डिज़ाइन बना के ये लगाया है, इस पर वुड पे पहले डिज़ाइन बनाया फिर इस पर ये लगाया गया है। उसके साथ साथ अगर आप मिरर वाला पार्ट देखते हैं जो बड़ा बड़ा पल्ला है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे ये डायमंड वाला हमने लट्टू लगाया हुआ है, इसको खोलेंगे तो अंदर आपको ये तीन आपको चूड़ी रखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको नीचे स्टोरेज मिल जाएंगे, तीन स्टोरेज मिल जाएंगे सामान रखने के लिए। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अंदर नॉर्मली पेंट हुआ है, आप अंदर का पेंट देखेंगे तो नॉर्मली हुआ है, और ये नॉर्मली ये कब्जे पे हैं, नॉर्मल कब्जे पे हैं, 2.5 इंची कब्जे पे हैं। उसके बाद अगर हम इसको बंद करेंगे तो बाहर से आप देख सकते हैं, बाहर से ये आपको 5 mm का आपको मिरर मिलेगा। और उसके साथ साथ नीचे देखेंगे नीचे भी आपको फ्लैट एरिया मिलेगा। और दोस्तों अगर पॉलिश की बात करूँ तो इसमें नेचुरल कलर का पॉलिश हुआ है, नेचुरल मतलब पिंक कलर। और आप ये देखेंगे दोस्तों ये ब्लैक दिख रहा है आपको, ये डिज़ाइनिंग ब्लैक दिख रही है, इसमें भी ब्लैक आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये रेशे बनाए जाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, इससे ताकि खूबसूरती थोड़ी और बढ़ जाए, इसलिए रेशे बनाए जाते हैं। और आप ऊपर देख सकते हैं ऊपर साइड भी आपको पूरा प्लेन मिलेगा, ये प्लेन है ऊपर साइड में प्लेन है और साइड से देखेंगे साइड एरिया से भी पूरा प्लेन मिलेगा आपको। और दोस्तों आप नीचे भी देखेंगे नीचे जो दोस्तों डिज़ाइन है वो रेशे बनाए गए हैं, बॉक्स नीचे कोई लकड़ी का पीस नहीं लगाया गया है, नीचे डिज़ाइन बनाई गई है। और ये आपका पूरा हो गया ड्रेसिंग टेबल। दोस्तों आप चाहें तो इसमें अकॉर्डिंग अपना कोई भी साइज़ करा सकते हैं, 6x3 करा सकते हैं, 6x4 करा सकते हैं, या फिर 7x3 करा सकते हैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है, जो सा साइज़ आपको कराना है। वैसे स्टैंडर्ड साइज़ यही रहता है 6.5 फिट। दोस्तों अगर आप कहीं से भी ड्रेसिंग टेबल लें तो आप ज़रूर उनकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें कि किस क्वालिटी की उसमें पॉलिश हुई है। सबसे पहले आप ये देखिए कि उसकी पॉलिशिंग कैसे हुई है, मतलब ये ना हो कि साइड से पॉलिश उखड़ रही हो, छूने पे पॉलिश उखड़ जा रही हो, वैसे ऐसा तो नहीं होता, ये थोड़े टाइम के बाद ही होता है। तो आप उनसे पूछें कि वहाँ भाई किस क्वालिटी की आप उनको पॉलिश करके दे रहे हैं, किस क्वालिटी का आप पॉलिश मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और क्या उसकी कुछ गारंटी रहेगी पॉलिश की। और अगर कहीं से ये टूट जाता है, मतलब अगर इनकेस 2-4-6 महीने में अगर ये टूट जाता है तो उसकी क्या गारंटी रहेगी। और आप ज़रूर जो भी हैंडल वो लगा के दें उसी क्वालिटी आप ज़रूर चेक कर लें कि हाँ भाई किस क्वालिटी का उसमें हैंडल लगा हुआ है, अंदर से किस क्वालिटी के छूने में पॉलिश कैसी है, सॉफ्ट है कि रफनेस है, किस क्वालिटी की पॉलिश यूज़ करिए, इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें ड्रेसिंग टेबल लेते समय। और अगर आपको कोई भी फर्नीचर रिलेटेड क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस ड्रेसिंग टेबल के बारे में और डिटेल जाननी है और या फिर लेना है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई कमेंट या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।